बहुत से इंसान मिलेंगे जो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है। मेरी रिसर्च के मुताबिक ये बात 100% गलत है। 8 घंटे की नींद जरूरी नहीं है। आप अपनी बॉडी को जितने टाइम के लिए सोने के लिए सेट करते हैं उतना टाइम ही आपसे बॉडी सोने के लिए मांगती है। अगर आप 15 घंटे दिन और रात में 24 घंटे हैं तो 15 घंटे आप सोते रहते हैं तो दूसरे दिन भी आपकी बॉडी 15 घंटे ही मांगेगी। अगर 20 घंटे सोते हैं तो 20 घंटे ही दूसरे दिन मांगेगी। अगर याद रखिएगा 8 घंटे आप सोते रहते हैं दिन में तो 33% तो आपकी जिंदगी सोने में गुजर जाएगी। आपके पास 67% जिंदगी जो बचती है उसमें से 17% आपकी खाना खाने इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। आपके पास 50% जो जिंदगी बचती है उसमें आप सोचेंगे करेंगे या देखेंगे। तो याद रखिएगा जितने टाइम के लिए आप अपनी बॉडी को सेट कर लेंगे उतना टाइम ही सिर्फ आपकी बॉडी सोने के लिए आपसे मांगती है। इसलिए मेहनत करें, सोना छोड़ें, ये टाइम है आपका। आप इस टाइम में मेहनत कर लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी संवर सकती है और आपकी आने वाली नस्लें भी संवर सकती हैं। अगर ये टाइम आप सोने में गुजार देंगे तो आप सारी जिंदगी जलील होंगे, जलील और ख्वार होंगे। तो इससे बेहतर है अभी 2 घंटे सोना कम करें और मेहनत कर लें आगे आपको, ताकि कोई परेशानी ना हो। इसलिए जितना टाइम आप बॉडी को सोने के लिए सेट करते हैं, जितना टाइम आप बॉडी के सोने के लिए विक्स करते हैं उतना ही टाइम आपसे बॉडी सोने के लिए मांगती है। इससे ज्यादा आपकी बॉडी आपसे सोने के लिए नहीं मांगेगी। जो ह्यूमन बॉडी के लिए कहते हैं कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। 8 घंटे की नींद जरूरी नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए। जितने टाइम के लिए आप अपनी बॉडी को सेट करेंगे उतना ही टाइम आपकी बॉडी आपसे मांगेगी सोने के लिए। इस टाइम आज आपके पास टाइम है, आप मेहनत करें और लाइफ में आगे बढ़ें।